रिसेंटली सर्कुलेटेड एक वीडियो में देखा कि आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे एक बंदा पैसे फेंक रहा है, लुटा रहा है, वेले मार रहा है, जिसपे आतिफ असलम उसको रोकता है कि भाई हेलो रुक जाओ, एक्सक्यूज मी, मैं कोई नेड़िया नेड़िया पे मुजरा नहीं कर रहा भाई, गाना गा रहा हूँ, तो ये नहीं करो, ये पैसे जो हैं ये कहीं डोनेट कर दो। हाँ ना भाई, मतलब बंदा देखे तो सही कहाँ बैठा है, किससे बात कर रहा है, ये कोई सिराय की शादी है कि भाई तू वेले लुटा रहा है पैसे, मनी गन चला रहा है हाथों से। इसी टॉपिक से उठाए हुए आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिंग की, पैसा शो ऑफ करने की, क्यों करते हैं लोग, इसके पीछे क्या साइंस है, उस साइंस के अंदर घुसेंगे आज। तो जी पहला सवाल कि फ्लेक्स किसको कहते हैं, फ्लेक्स है क्या, क्या ज्यादा पैसे खर्च करने को फ्लेक्स कह सकते हैं? नहीं। शाहरुख खान का घर 200 करोड़ रुपए का है, क्या ये एक फ्लेक्स है? नहीं। लेकिन अगर उसी 200 करोड़ के घर में शाहरुख खान आके बालकनी पे खड़ा होके 5000 की गट्टी भी अगर लुटाएगा, मनी गन चलाएगा और बोलेगा गरीबो, तो ये फ्लेक्स है और ये एक बुरा जेस्चर है। यानी कि पैसा खर्च करने या पैसा ज्यादा खर्च करने को फ्लेक्स नहीं कहते। पैसा शो ऑफ करना, दूसरों को कम समझना, अपने आप को बाप समझना, इसको फ्लेक्स कहते हैं। उसका पंखा बना के खुद को हवा देना, इसको फ्लेक्स कहते हैं। और ये फ्लेक्स लोग क्यों करते हैं? क्योंकि लोग समझते हैं कि ऐसा करने से हमारा स्टेटस बढ़ता है, लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हमारे पास इज्जत ज्यादा होगी, लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसा होना ज्यादा इज्जत होने के बराबर है। क्या ये बात सच है? आओ जरा इसके अंदर घुस के फटते। अब देखा जाए तो पैसे तो पाब्लो एस्कोबार के पास भी बहुत थे, ही वाज अ बिलियनियर, लेकिन पाब्लो एस्कोबार एक बुंड का बुखार किस्म का आदमी था। मतलब अगर नाई भी उसकी कल में खराब कर दे तो पाब्लो एस्कोबार बोलता था कि इसको मार, तो उसकी तो कोई इज्जत नहीं है। पैसे तो पिंप्स के पास भी बहुत होते हैं, उनको कोई सर का खिताब तो नहीं देते हम। और देखा जाए तो ईदी साहब की जिंदगी बहुत सिंपल थी, उसके पास जो पैसे आते थे वो लोगों में लुटाते थे, तो उस बंदे की तो बहुत इज्जत है। यानी कि नेट वर्थ आपकी नेट रिस्पेक्ट बयान नहीं कर सकता, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। पैसे और इज्जत के बीच में अगर कोई रिश्ता है तो वो इस तरह से कि आप पैसे एक तो कमा किस तरह से रहे हो और उसको खर्च किस तरह कर रहे हो। अगर आपने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जिसमें नल्ले चपड़ी भीख मांगे बेरोजगार लोगों को आपने उठा के उनको काम धंधा दे दिया, यानी उनको सड़क से उठा के स्टार बना दिया, तो आपकी इज्जत बढ़ गई। लेकिन अगर वही पैसे आपने किसी जंग में फंड करने को दे दिए तो फिर आपकी इज्जत घट गई। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, इट्स अबाउट हाउ यू अर्न द मनी एंड हाउ यू स्पेंड इट। पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की तरह उसी बात का मैंने तर्जुमा कर दिया कि इशिका व्हाट आर यू डूइंग, इशिका क्या कर रही हो तुम। खैर, फ्लेक्सिंग से लोग महज आपको चमन चूंटियां समझेंगे, आपको शोखा समझेंगे और आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। शो भी करना है पैसा तो उसके डिसेंट तरीके होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने यार गुची की चड्डी पहन ली तो आप जो है भाई पैंट उतार के घूम रहे हो, चुरंगी पे बैठ के पैंट उतार के तशरीफ हवा की तरफ करते हुए, ऐसे नहीं करना होता भाई, उड़ता तीर पता नहीं कहां से आ जाए। और दूसरी बात ये कि अमीरी जो है वो तो बड़ी सब्जेक्टिव है। शाहरुख खान के पास 700 मिलियन डॉलर्स हैं, लेकिन इलन मस्क के पास तो 225 बिलियन डॉलर्स हैं। तो क्या मतलब, इलन मस्क अब शाहरुख खान को बोल दे भग गरीब? नहीं, वो उसकी इज्जत करेगा। क्यों? क्योंकि उसके काम की इज्जत है, उसके बैंक अकाउंट की नहीं। थोड़ा सा क्लासेस टॉक आपको समझाता हूं, हालांकि इन चीजों में यकीन नहीं करता, लेकिन सबसे नीचे आते हैं नल्ले बेरोजगार, ठीक है, उसके बाद आते हैं गरीबो, उसके बाद आते हैं मिडिल क्लास जो आप लोग और हम लोग, ये होते हैं अंडे वाले बर्गर, यानी ये बन कबाब भी नहीं है, ये जिंगर बर्गर भी नहीं है, ये अंडे वाले बर्गर है। ये बनना तो जिंगर बर्गर चाहते हैं, लेकिन इनके साथ गटर चटनी भी आती है, गटर चटनी वो बारबेक्यू सॉस वाली, तो फिर ये उनको दोबारा जो है ना बन कबाब की तरफ ले जाती है, तो बीच में फंसे हुए मिडिल क्लास। उसके बाद आते हैं अमीर लोग, फिर आते हैं भंवरामी अमीर लोग, उसके बाद आते हैं कुत्ता अमीर लोग। तो जो कुत्ता अमीर लोग हैं ये हैं वो 1% रिच इलीट लोग। आप देखोगे ये फ्लेक्स नहीं करते, इनको जरूरत नहीं है भाई। अब मार्क जकरबर्गर जो है उसके पास सिर्फ ग्रे शर्ट्स हैं वार्डरोब में, पता नहीं ग्रे क्यों, मतलब शायद वो गंदी हो जाती है तो ज्यादा दिखता नहीं है, तो मुद्दे के बाद उनको जरूरत नहीं है। अब जेफ बेजोस तो इस तरह से नहीं कर रहा कि भाई सोने का दांत लगा दिया, हर तस्वीर यूं करके खिंचा रहा है, तो मतलब समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक बंदा अगर जो फरारी की कंपनी खरीद कर सकता है उसको फरारी खरीद के स्वैग मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस चीज से ऊपर आ चुके हैं। और ये जो चीज़ है ना वो समझते हैं कि ये सारी मार्केटिंग की गिमिक है। मार्केटिंग ने कंज्यूमरिज्म की बीमारी हम में डाल दी है कि अगर तुम महंगी चीज़ें लोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, अगर तुम पैसा फ्लेक्स करोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन ये महज एक इल्यूजन है, ये हकीकत नहीं है। पेलेस एक कंपनी है जो शूज बनाती है, अमेरिका में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक फेक लग्जरी स्टोर बना दिया, जो जूते बाहर से लंडे से $20 के मिलते हैं वो उन्होंने उठा के उस फेक लग्जरी दुकान में रख दिए और लोग
लोग आगे उनको खरीद भी रहे थे, $20 के जूते $400 में खरीद रहे हैं और फिर जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, आई गॉट लुक एट दिस क्वालिटी इट्स अमेजिंग आई लाइक द डिजाइन। फिर जब उनको पता चला कि भाई ये थे $20 के, तो उन्होंने समझ आया कि ये सारी माइंड की गेम है भाई। जो पिशावरी चप्पल आपको मोची टायर से बना के देगा ना, उसकी क्वालिटी आप किसी भी स्टोर से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जी कहने का मुद्दा ये है कि आपकी जो खरीदारी है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि लोगो क्या है। अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है तो आप ले लो, वो कहीं से भी हो, वर्साची की कोई चीज अच्छी लगती है, डिजाइन अच्छा लगता है, भाई खरीद लो, रेडी से कोई चीज अच्छी लगती है उठा लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वर्साची की वजह से ले रहा हूं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई कुत्ता पैसा कमाओ, कुत्ता पैसा कमाओ और ये जो लग्जरी वाला इल्यूजन है इसके ऊपर चले जाओ, खुद ही ब्रांड बन जाओ भाई साहब। फिर जो तुम पहनोगे ना उसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर तुम कैंची चप्पल भी पहनोगे ना तो तुम्हारे मरने के बाद वो म्यूजियम में रखी जाएगी। इसी तरह मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है कि कुछ साल पहले हमारी इंडस्ट्री जो है ये फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री, इसके अवार्ड शो हो रहे थे तो सारे गोला गंडा बन के आए हुए थे। कुछ माहौल जो था वो इस तरह का था, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई फाइट अवार्ड्स 2023, दिस इज योर होस्ट शकील शेरी and we are at the red carpet of IFAT awards, let's see who is joining us. Oh my god, naughty Natasha, wow, you're looking gorgeous, who are you wearing? Thank you so much, I am wearing Italian designer Leonardo Neandio, he was with me but unko gate pe rok liya, the bouncer is Punjabi so he said your name suggests Leonardo Neandio to hum nahi aane denge aapko. The jewelry you see is from Mary Chuslo. But you're looking gorgeous anyways. thank you so much. Thank you. It looked like shit. Okay, guys. Guys, oh, Veli Vania, how are you? Who are you wearing? Thank you so much. Actually, I'm wearing a French designer, Hugo. Hugo? Abhi, yeah? Oh, you mean Hugo? Hugo! Uh-huh. Oh, Hugo, nice! Yeah, you're right. Hugo. Wo abhi aaye hue hain. He's in washroom right now. जैसे उनका नाम है वैसे ही उनके काम है, पर मैं मिलवा दूंगी आपको उससे। Oh my God, Shagufta Shodi! Woo! तो इस माहौल में एक बंदा था जो कपड़े बहुत सादा से पहन के आया था, वो था हमजा अली अब्बासी, ब्लैक शलवार कमीज पहन के आया हुआ और शदीद चिकना चीसा लग रहा था वो बंदा। एंड में जब बेस्ट आउटफिट के अवार्ड की बारी आई उसको अवार्ड मिल गया। भाई साहब वो जब स्टेज पे गया उसने कहा यार मैंने तो अपने दर्जी से बनवाए हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, कोई बाहर से कोई बंदा नहीं आया हुआ था, वो देख के बड़ा ही मज़ा ही आ गया। तो भाई बात वही है कि आपको अच्छा दिखने के लिए, आपकी इज्जत में बढ़ावे के लिए यू डोंट नीड टू फ्लैक्स योर मनी, मनी गन चलाने की हर जगह ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा कमाओगे, पैसा बहुत कमाओगे तो वो सटल तरीके से भी दिख जाएगा। चलो फिर गरीबो, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक And lots of money. मैं चलता हूँ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, गुड बाय। इसका मतलब समझे दया।